यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बड़ा हादसा। बाल बाल बचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। काफिले की दूसरी गाड़ियों से टकराई कार। क्या हो रही है जेलेंस्की को मारने की कोशिश? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक हादसा हो गया। जी हाँ, वो एक कार दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। उनकी कार काफिले में शामिल दूसरे एस्कॉर्ट वाहनों से टकरा गए। इस दुर्घटना में जेलेंस्की को किसी भी तरह की चोट नहीं आई। हालांकि उनके ड्राइवर को एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जाया गया। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार की टक्कर को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन दिनों रूस में भी पुतिन के करीबी लोगों को अजीबोगरीब परिस्थितियों में मौत हो रही है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनसे मौत का कारण बिल्डिंग से कूदना, घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा निकलना और आग लगना शामिल है। कुछ दिनों पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन को निशाना बनाकर एक कार में धमाका किया गया था। इसकी चपेट में डुगिन तो नहीं आए, लेकिन उनकी बेटी की मौत जरूर हो गई। यूक्रेन में हुई इस दुर्घटना के बाद जेलेंस्की के प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना के बाद उनके साथ यात्रा कर रहे डॉक्टरों ने राष्ट्रपति का आकलन किया। उन्होंने कहा कि ये घटना देश की राजधानी कीव में हुई है। और निकोलोव ने बताया कि कीव में एक कार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार और एस्कॉर्ट वाहनों से टकरा गई। राष्ट्रपति के साथ आने वाले डॉक्टरों ने उनकी कार में चालक को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की। राष्ट्रपति की एक डॉक्टर द्वारा जाँच की गयी, कोई गंभीर चोट नहीं पाई गयी। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार दुर्घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से इस दुर्घटना को लेकर रूस का नाम नहीं लिया गया। राष्ट्रपति की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी भी उन्हीं के काफिले का हिस्सा थी। ऐसे में जाँच के बाद ही इस दुर्घटना के असली कारणों का पता लग सकता है। यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को तेजी से पीछे ढकेल रही है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का नियंत्रण खत्म हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद बताया कि यूक्रेन की सेना ने सितंबर की शुरुआत में 6000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया है। वर्तमान में यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर रूस का कब्जा है। हालांकि उनके साथ जो भी हुआ वो साजिश हो या ना हो, लेकिन इस पे साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। यानी साजिश का पूरा शक जताया जा रहा है। वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कहीं रूस अपना बदला तो नहीं ले रहा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।